हेलो गाइस, मेरा नाम है रवीन कंबोज और आर कंबोज रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको एक आर्डिनो बोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड एक मोटर ड्राइवर से दो डीसी मोटर्स को कंट्रोल करना सिखाऊंगा विद कोडिंग। गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी का कोड दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, इनके कनेक्शन कर लेते हैं पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, पहले हम इस डीसी मोटर ड्राइवर के साथ इन दोनों मोटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज, पहले हम इस वाले मोटर को, ये दोनों वायर्स को इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और इस वाले मोटर के वायर्स को इस वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। कोई सा भी मोटर आप किधर भी लगा सकते हैं दोनों। तो देखिए गाइज, मैंने इस मोटर ड्राइवर के साथ मोटर्स को कनेक्ट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसके पावर आउटपुट इनपुट के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको जो ये 5 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ से हम आर्डिनो बोर्ड और अल्ट्रासोनिक सेंसर को 5 वोल्ट प्लस यानी पॉजिटिव देंगे और यहाँ से नेगेटिव देंगे और यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे। जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है उसका पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट करेंगे और बैटरी का नेगेटिव यहाँ कनेक्ट करेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर और आर्डिनो का नेगेटिव भी यहीं कनेक्ट करेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम इस मोटर ड्राइवर को इस आर्डिनो बोर्ड के साथ इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, इस मोटर ड्राइवर का जो M1 है उसको हम आर्डिनो बोर्ड की डिजिटल पिन 9 के साथ कनेक्ट करेंगे, जो M2 है उसको 10 के साथ और M3 है उसको 11 के साथ, M4 है उसको 12 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये जम्पर वायर यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम आर्डिनो बोर्ड के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर के कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, इसका जो VCC है उसको हम आर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। और जो इसका ये ट्रिगर वाली पिन है इसको हम आर्डिनो की डिजिटल पिन 7 में कनेक्ट करेंगे, ये मैंने कर दी है। और जो एको वाली पिन है उसको हम डिजिटल पिन 8 के साथ कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे 8 में कनेक्ट करेंगे। और जो ये बची है ग्राउंड, उसको हम आर्डिनो बोर्ड के जहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए गाइज, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं आर्डिनो बोर्ड का ग्राउंड वाली पिन को डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए मोटर चलना स्टार्ट हो गई है। अभी मैं इसे एक बार रीसेट करता हूँ, ये रीसेट का बटन है, यहाँ से रीसेट हो जाएगा। अभी गाइज देखिए, मैं जैसे ही सेंसर के आगे हाथ लेकर जाऊँगा ये मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए गाइज, ये मैंने इनमें डिले टाइम सेट किया है, ये उसी हिसाब से चल रही हैं, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चल रही हैं। अभी देखिए गाइज, मैं दोबारा से हाथ लेकर जाता हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर। मैंने इसकी रेंज को कम कर रखा है गाइज, आप इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए मोटर्स चल रहे हैं, अभी ये दोबारा चलेंगे, ये बंद हो गए। अभी मैं दोबारा एक बार और हाथ करता हूँ अल्ट्रासोनिक सेंसर के आगे, ये देखिए ये हमारा काम कर रहा है प्रोजेक्ट भाई, मजा आया। तो गाइज, इस आर्डिनो बोर्ड एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर का कंप्लीट कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना